नेपोटिज्म तो सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, नेपोटिज्म तो सब जगह है, जहाँ जहाँ दुनिया में इंसान है सबके अंदर एक नेपोटिज्म है। नेपोटिज्म गलत नहीं है, लोग उसको बहुत गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, हर जगह उसको गलत तरीके से ट्वीट किया जा रहा है मीडिया में। आपको ये समझना होगा कि नेपोटिज्म गलत नहीं है। अगर मैं अगर आज बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं अगर बहुत आगे जाता हूँ तो मेरे बच्चे को फ़ायदा मिलेगा उसका। क्यों, मैंने मेहनत क्यों की है भाई? मैंने मेहनत की है इतनी ज़्यादा, मैंने इतना कुछ फेस किया है तो अपने परिवार के लिए किया है ना, अपने बच्चों के लिए किया है ना, अपने माँ बाप के लिए, सबके लिए किया है, तो उसका फ़ायदा उनको मिलेगा। बट अगर मैं किसी बाहर से आने वाले को तंग करूँ या रोकूँ, उसको डिस्करेज करूँ, इंसल्ट करूँ, वो गलत। नेपोटिज्म का अपना दिखावा जितना दिखाना, ऑल नेपोटिज्म किड्स, ऑल नेपोटिज्म स्टार किड्स, व्हाटएवर, उनको हक है आने का। बट आने के बाद आप भूलो मत कि आप अपने माँ बाप की वजह से यहाँ पर, और उनको मत परेशान करो जो अपने आप अपने बलबूते पे आ रहे हैं, उनको भी आने। मैं उसके खिलाफ हूँ कि आप उनको उनको मत वो करो, उनको मत डिस्करेज करो। कोई बाहर से आ रहा है तो उनको रोको मत, उनके दरवाजे बंद मत करो। नेपोटिज्म से कोई प्रॉब्लम नहीं। युवाओं से तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मतलब भाई अपने आप कुछ भी करो ना, अपने दिल से पूछो, सारे जवाब यहाँ हैं, योर आंसर्स आर हियर, कि कोई आपको जवाब नहीं देगा। अगर आप कन्विंस हो खुद से तो आप सही करो, लेकिन अगर आप कन्विंस नहीं हो, आप किसी और को प्रूव करने के लिए अपनी लाइफ मत जियो। लाइफ इज वंस, एक ही बार मिलेगी, सिर्फ एक बार, उसको अपने हिसाब से जियो। किसी को तंग मत करो, परेशान मत करो, बिलीव इन योर सेल्फ, गो फॉर इट, स्काई इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। थैंक यू सो मच।